बसमिल्लर रहीम इंश्योरेंस यानी बीमा पॉलिसी का हुक्म यह कि बीमा पॉलिसी खा लाइफ की हो यानी जिंदगी की या किसी और शाय की नाजायज और ममनू है और यूँ ही इसमें काम करना भी नाजायज और ममनू है और गुना का काम है और लाइफ इंश्योरेंस के नाजायज़ होने की उमू वजह सूद और म है बीमा पॉलीसी में मिलने वाली जायद रकम सूद है इसलिए कि इंश्योरेंस कंपनी बीमा होल्डर से उसकी रकम मुनाफे कमाने यानी कारोबार करने की गर्ज से लेती है जबकि शरी तौर पर गौर करने से मालूम होता है कि इसमें दीगर कबाहतों के साथ साथ कारोबार के तमाम शरी ओलों की पासदारी नहीं की जाती जिसकी बिना पर इस रकम की हैसियत फ़कद कर्ज़ की होती है जिसकी वजह से पॉलिसी लेने वाला शख्स कर्ज खा और इंश्योरेंस कंपनी कर्ज़दार की हैसियत रखते हैं और चूँकि शरीय अतबार से कर्ज पर माहे के तहत कुछ जायद लेना अगरचे फिक्स ना हो सूद होता है जबकि कंपनी अपने पॉलिसी होल्डर को उसकी जमा शुदा रकम पर जायद रकम अदा करने की पाबंद होती है और यही सूद है चनाच्य सूद की तारीफ़ के बारे में फ़िका की मशहूर किताब हिदया में है अरबा होलफदलमतुलहदल मतदेन फिलत शोर यानी सूद आकदेन में से किसी एक के लिए मुआवजा में साबित होने वाली वो मशरूत जाती है जो से खाली हो और सूदी नफा की कुरानो हदीस में मजम्मत बयान फरमाई गई है चनाचे इरशाद बारी ताला है और अल्लाह ने हलाल किया बह को और हराम किया सूद को अलामा अलाउद्दीन अलैहि रहमा एक हदीसी मुबारक नक़ल करते हैं जिसमें रसूलुल्लाह अलैहि सल्हस ने फरमाया कुल्ल कर जर्र मनफात हर वो कर्ज जो मनफात ले आए नफ़ा ले आए वो सूद है इस हदीस पाक को हारिस बेन अबी उसामा ने हजरत अलीज़ा करमल्हु वजहकरीम से रिवायत किया कंजुल्मा शरीफ में अलमा अलाउद्दीन हसकफ़ी रहमा दुर मुख्तार में व नज़ार के हवाले से नकल करते हैं कुल्ल कर्दिन जर्र नफान हराम हर कर्ज जो नफ़ा ले आए वो हराम है इसके तहत अमामा मोहम्मद अमीन इब्न आबिदीन शामी कुद्द सामी रबार में फरमाते हैं ए काना मशरूता यानी वो नफा तब हराम है जब उसकी शर्त लगाई गई हो और हदीस मुबारक में सूद का लैन देन करने वालों के बारे में इशाद हुआ ला रसोल सके लबा व मो के लहू व का बहू व शाह ने सूद खाने वाले खिलाने वाले उसके लिखने वाले और उसके गवाहों पर लानत फरमाई और इर्शाद फरमा कि ये तमाम लोग बराबर हैं सही मुस्लिम और जुल्म की सूरत यह है कि बीमा कराने वाला अगर दो या तीन किस्तें देने के बाद बाकी अकसाद अदा न करे और पॉलिसी ख़त्म करना चाहे तो उसकी जाती जमा करवाई हुई रकम उसको वापस नहीं दी जाती और ये बात सरीहन ओर नाजायज और, और क़ुरान हदीस के खिलाफ और बातिल तरीके से एक मुसलमान का मालखाना है चनाचे अरबी लगत में जुल्म की तारीफ यूँ बयान की गई है वदुलशाइफी गैर मोदी यानी शेय को ऐसी जगह रखना जो उसका महल ना हो व असल जोर व हद और जुल्म की असल ज्यादी और हद से बढ़ना है लिसानब में यह तारीफ बयान की गई है और हदीस पाक में किसी का माल जुल्मन लेने के बारे में फरमाया गया कि मन आजा शिबरन

और आपस में एक दूसरे का माल ना हक ना खाओ सूरत बाबा सूरतुलबारा और मुख्तसर सही शरा मुस्लिम में मौजूद है कि मौजूदा निज़ाम में पाए जाने वाले फसाद की मतदद वजूहत को बयान फरमाया गया मसला बीमा कंपनी अपने जमाशुदा सरमाया को गर्दिश में रखने के लिए दूसरे सनाती और तजारती इदारों को सूद पर कर्ज़ फ्राहम करती है और सूद हराम कती है जैसा कि सही मुस्लिम की हदीसी पाक में मौजूद है और दूसरी वजह इसके नाजायज़ होने की ये कि बीमा कराने वाले को अगर कर्ज लेना हो तो बीमा कंपनी उसको भी सूद पर कर्ज देती है और तीसरी वजह इसके नाजायज होने की ये कि बीमा कराने वाला अगर दो या तीन किस्तें देने के बाद बाकी अकसात अदा ना करें तो उसकी रकम उसको वापस नहीं दी जाती और ये जुल्म और नाजायज अमल है और चौथी वजह आदमी जवाब की है कि बीमा कंपनी मुद्दत पूरी होने के बाद बीमा कराने वाले को उसकी असर रकम मासूद के लौटाती है और सूद लेना और देना दोनों हराम है पाँचवीं वजह यह है आदमी जवाज की कि मुद्दत पूरी होने से पहले अगर कोई शख्स तभी मौत मर जाए या किसी हादसा में हलाक हो जाए तो उसको पहली सूरत में यानी तभी मौत मरने में पूरी मुद्दत की रकम और दूसरी सूरत में यानी हादसे की सूरत में दुगनी रकम दी जाती है अब उसको उसकी जमाशुदा अकसात से ज्यादा रकम दो जी जो दी जाती है उसको अगर शरात लाजिम करार दिया जाए जैसा कि अमला इसी तरह ही होता है तो ये अकद सही नहीं है अगर इसको तब्रो एहसान और भलाई करार दिया जाए तो ये वाक़ के ख़िलाफ़ है बीमा के बारे में सैदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रज़ान रमतल का मौफ़ भी अदम जवाज़ का है जैसा कि आप अरामा फ़तेह रजिया में एक सवाल के जवाब में फरमाते हैं जिसमें बीमा की चार सूरतें बयान की गई उसका हुक्म बयान कर तो इरशाद फरमाया ये बिल्कुल कमार है यानी जुआ है और माज बातिल कि, कि किसी अकद शरी के तहत में दाखिल नहीं है ऐसी जगह उकूद फासदा बगैर उज्र के जो इजाज़त दी गई वूरत से मुक्त के हर तरह ही अपना नफा हो और ये ऐसी कंपनियों में किसी तरह मुतव नहीं है लिहाजा इजाजत नहीं कमा का उलमिकलाक़ फ़ीफात अलदीर अलमा इबन हमाम ने फात अकदीर में इसकी तहकीक फरमाई फ़तह रजविया जेद नंबर सत्रह सफ़र नंबर तीन सौ पैंसठ रजा फाउंडेशन लाहौर और अकाम शरिया में सैद आल हज़रत इमाम अहमद रजा रि ने जो बीमा पॉलिसी के जवाज़ का हुक्म इरशाद फरमाया उसका जवाब यह है कि उस सवाल और आप अल्मा के जवाब बन दिए गए इरशाद में मजकूर है कि वो बीमा गवर्नमेंट की जानेब से था और चूँकि उस वक्त गवर्नमेंट कुफार की थी और कुफार से बद आदि किए बगैर किसी भी तरह का कोई नफ़ा या उनका माल लेना जिसके लेने में अपना किसी किस्म का नुकसान ना हो जायज़ है लिहाजा उस वक्त गवरमेंट के लिहाज से आप रमतल त ने जवाज़ का हुक्म इश फरमाया और उसको कई शराब के साथ मुक्यद किया लिहाजा मुजा बीमा पॉलिसी को उस पर क्यास करना दुरुस्त नहीं सईद सैद हजरत इमाम अहमद रज़ा रहमत ला तकम शरीय में तारीफ़ फरमाते हैं जबकि ये बीमा सिर्फ गवर्नमेंट करती है और उसमें अपने नुकसान की कोई सूरत नहीं तो जायज़ है कि कोई हारज नहीं मगर शर्त यह कि उसके सबब उसके ज़िम्मे किसी खिलाफ शर एहतियात की पाबंदी आयद ना होती हो जैसा कि रोज़ों या हज की ममानत आकाम शरीत और बीमा पॉलिसी करने वालों में अगर मुसलमान भी शामिल हों जैसे हमारे यहाँ बीमा पॉलिसी करने वाले अमूमन मुसलमान ही होते हैं तो उसका हुक्म बयान करते हुए आप फरमाते हैं जिस कंपनी से ये मामला किया जाए अगर उसमें कोई मुसलमान भी शरीक है तो मतला क्रराम क़ती है कि कम्मा है ये जुआ है और उस पर जो ज़्यादत है रिबा सूद और दोनों सख्त हराम और गुनाह कबीरा फताबा रजविया जल्द नंबर तेईस सफर नंबर पाँच सौ पचानवे और ये भी याद है कि काफरों के साथ बहुत से अकूद फासदा जायज़ होते हैं जो मुसलमानों के साथ जायज़ नहीं होते जबकि उनमें भी कुफार के साथ धोखा या बदआहदी ना की जाए जैसा कि सद आल हजरत इमाम अहमद रजा रफार से गदर यानी धोखा और बद किए बग़ैर उनका माल लेने के बारे में इर्शाद फरमाते हैं जो काफिर नज़मी हो न मुस्तामिन, सिवाय गद्र यानी धोखा दही के बगैर बद बदअदी के मुतलकन हर काफिर से भी हराम है बाकी उसकी रजा से उसका माल जिस तरह भी मिले जिस अक्द के नाम से हो मुसलमान के लिए हलाल फतावर रजविया जेल नंबर सत्रह सफर नंबर तीन सौ अड़तालीस और जनरल इंश्योरेंस के नाजायज होने में उमूमी वजह जुआ और ई की सूरतों का मतहकुन है मसला जुआ इस तरह के मुकर्र मदत के दौरान अगर खरीदी हुई चीज़ में तो कंपनी को उसकी तलाफी करना होती है और इस तरह पॉलिसी ऑल्डर का फ़ायदा हो जाता है कि इस सूरत में कम पैसे देकर नुकसान ज़्यादा होने की सूरत में रकम ज़्यादा मिल जाती है और अगर पॉलिसी ऑल्डर को किसी किस्म का नुकसान ना हो और उसकी चीज़ मुकर मदत तक कंपनी के बयान करदा नुकसान से महफूज रही तो पॉलीसी ख़त्म होने के बाद पॉलिसी ओल्डर की सारी रकम जब्त हो जाती है और कंपनी का फ़ायदा हो जाता है बस इसी को जुआ कहते हैं जैसे कि फ़ताव आलमगिरी में है इराकानलबलिन जानबैन हराम। अगर दोनों जानब से माल की शर्त हो मतलब आगे अगर हो गए तो मैं इतना दूंगा, और अगर मैं आगे हो गया तो मैं इतना लूँगा तो ये शोर सुर, सूरत जुए की है और हराम है और इस्लाम ने जुआ हराम करार दिया है चनाचे जुए की हरमत के बारे में अल्लाह तबारक तुरान मजीद में मिर्शा फरमाता है या यादीना आमनऊ इनमसरब वजलान शैत फाजताब ऐमान वालो शराब और जुआ और बुत और पांसे नापाक ही हैं शैतानी काम तो इनसे बचते रहना कि तुम फला पाओ पारा नंबर सात सूरत आयत नंबर नबे और दर हकिक, दर हकीकत ये जुआबाजी तरीके पर लोगों का माल खाना है जिससे अल्लाह मना फरमाया चनाचल तर ताला ताला और आपस में एक दूसरे का माल ना हक न खाओं अठासी और ऐसों के मतलब खुद नबी पाक वसल्लम ने वही जिकर फरमाई चनाचे पाक में बेशक कुछ लोग के माल में ना हक तौर पर दाखिल हो जाते हैं क्या मत के दिन उनके लिए आग होगी इस अदी सिपा को इमाम अहमद ने मुस्त इमाम अहमद हमल ने, ने रिवाद किया चनादरत इमाम अहमद रजात का हुक् बीमा का हुक्म बयान करते हुए फरमाते हैं ये शरण कमार जुआ है वो माहवार के उसमें दिया जाता है वह वक्त मशरू से पहले वापस नहीं लिया जा सकता ना शरण वाहकमा उसका मालिक हो सकता है वक्त वापसी जितना जमा हुआ था उसकी हर हाल उसकी हर साल की जकात लाजम है की और अगर उसे जायद मिलेगा तो उसकी जकात नहीं कि बीमा कराने वाले की मिल्क ना था फता रज़विया। मजीद इसी में एक और मकाम पर शादी और जिंदगी के बीमा के मतलब फरमाते हैं ये निर्कुमार है यानी जुआ है इसमें एक हद तक रुपया ज़ाय भी हो जाता है और वह मुनाफ महूम जिसकी उम्मीद पर दैन कर्ज़ अगर मिले भी तो कंपनी बेवकूफ़ नहीं कि वो गिरा से यानी अपनी जेब से हज़ार डेढ़ हज़ार दे बल्कि वो वही रुपया होगा जो औरों का ज़्या हो गया और उनमें मुसलमान भी होंगे तो कोई वजह उसकी हिलत की नहीं है फता रज़विया जबकि जनरल इंश्योरेंस में ज़ुल्म की सूरत में जुल्म की सूरत यह है कि मसला कोई शख्स किसी माल का बीमा करवाता है मगर वो माल पॉलिसी तक की तकमील से पहले जाय हो जाए तो बीमा कंपनी उसके नुकसान का इजाला करने की जिम्मेदार होगी जैसा कि साइल ने सवाल में जिक्र किया हालांकि ये नुकसान बीमा कंपनी ने नहीं किया होता मगर फिर भी वो उसका ज़मान अदा करने पर मजबूर है और ये बात सरीय कुरान वी के ख़िलाफ़ है चरचे अल्लाह ताली कुरान पाक में फरमाता है फ़ा मतदा फ़ातदीकम इन जो तुम पर ज्यादी करे तो तुम उस पर ज्यादा कर लो उसी कदर जितनी उसने तुम पर की सूरत बाबरा आयत नंबर एक सौ चौरानवे और मजीद एक मकाम पर अल्लाह ताला फरमाता है वह इन आकब तुम फ आक़िब बेमिसम तुम भी अगर तुम सजा दो तो वैसे ही सजा दो जैसी तकलीफ तुम्हें पहुंचाई गई सूरत आयत नंबर एक सौ छब्बीस मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत अमामा मुफ्ती मोहम्मद वक़ारुद्दीन क़दरी रजवी ताला अलैह से, जब इस किस्म के बीमा के बारे में सवाल किया गया तो आप रहमा जवाबन इर्शाद फरमाते हैं हर किस्म का बीमा नाजायज है इस्लाम का कायदा यह है कि जो किसी का माल जो किसी का माली नुकसान करेगा वही जामिन होगा और बादर नुकसान तावान देगा क़ुर करीम में कुरने करी में है फ़ामक फ़ातद लिहाजा चोरी डकैती आग लगने और डूबने वगैरह का बीमा नाजायज़ होने की एक वजह यह है कि जब माल का नुकसान इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं किया तो वो तावान क्यों देगी फतावा और साल का ये कहना कि कंपनी उस शख्स की जायदाद माल और गाड़ी वगैरह जिसकी इंश्योरेंस करवाई जाती है उसके तहफ़ की यकीन दानी करवाती है जिसमें बीमा कंपनी की तरफ से बयान करदा खतरात में से किसी के लायक होने की सूरत में वो उसके नुकसान को पूरा करने की पापंद होती है हालांकि कंपनी उस चीज़ के तहफ़ के लिए कोई काम नहीं करती और ना ही कोई मुहाफ वहाँ बैठाती है कि जिसकी वजह से वाकई तहफ़ करना कहा जा सके और उस माल या गाड़ी को उनके पास बतौर अमानत करार दिया जा सके जिसमें कंपनी की तरफ से तदी करने की सूरत में जमान और आदम तदी की बिना पर आदम ज़मान का हुक्म लगाया जा सके बल्कि उस गाड़ी या माल को मालिक के पास ही छोड़ दिया जाता है जिसे शरण अमानत रखवाना नहीं कहा जा सकता और उसमें सिर्फ यकीन दहानी करवाना कोई चीज़ नहीं है और ये ऐसे कामों में से है कि जिनकी शरण की तारीफ जिन पर सादेक आती है चनाचे अरबी लगत में जुल्म की तारीफ यूँ बयान की गई है वैफी गैर मौद यानी किसी शाय को ऐसी जगह रखना जो उसका महाल ना हो लिहाजा मुसलमानों को हर किस्म की बीमा पॉलिसियों से हती मकदूर बचना ही चाहिए कि हमारे ज़माना में राज बीमा पॉलिसी मुहराम का मजमु है जिनसे बचना लाजम कि इसी में शरीयत की फरमा बरदारी है और इसी में अल्लाह तबारक व ताल और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जामंदी है अल्लाह ताली तमाम मुसलमानों को हक बात समझने और उस पर अमल करने की तोफ़ीकता फ़रमाए वल्आम अज उजल व रसूलू صلى الله تعالى عليه وسلم